दोस्तों आप ईशान किशन को विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के बीच तीसरे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा के जगह ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। इस मुकाबले में कैसे ईशान किशन ने बांग्लादेशी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा के रख दिए आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों ईशान किशन ने कई ऐसे रिकॉर्ड बना दिए और कई ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए जिसे सुन के आप भी हैरान में पड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शिखर धवन, ईशान किशन और केएल राहुल में कौन है बेहतर ओपनर बल्लेबाज, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के इन तीन मैचों की ओडीआई सीरीज में जहां बांग्लादेश ने दो मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम कर लिया था, वहीं इस तीसरे मुकाबले में बांग्लादेशी टीम क्लीन स्वीप के इरादे से उतरी थी और इंडिया अपने लाज बचाने के इरादे से उतरा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सब कोई दंग रह गया। साथ ही बांग्लादेशी खिलाड़ियों को यह एहसास हो गया कि इंडिया के खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसी बीच ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले दो मैचों में भारत के खराब बल्लेबाजी का बदला पूरा करते हुए तीसरे वनडे में धुआंधार बल्लेबाजी किया। अपने 10वें वनडे में 24 वर्षीय इस युवा बल्लेबाज ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को आक्रमण को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने 85 गेंदों पर अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी पूरी कर ली। इसके बाद वो वहीं नहीं रुके और उन्होंने एक एक करके सभी बांग्लादेशी गेंदबाजों को जमकर कूटा। उन्होंने 26 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया और इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि आज के मैच में उन्हें चोटिल हुए कप्तान रोहित शर्मा के जगह टीम में शामिल किया गया था। शिखर धवन एक बार फिर फ्लॉप हुए और लगातार तीसरी बार इस सीरीज में फ्लॉप साबित हुए। दूसरी तरफ ईशान किशन नहीं रुके और वनडे क्रिकेट में वो डबल सेंचुरी लगाने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए। उन्होंने साथ ही क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और दुनिया में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। क्रिस गेल ने 2015 में 129 गेंदों पर यह कारनामा पूरा किया था। वहीं ईशान किशन ने 131 गेंदों पर 210 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 24 चौके और 10 छक्के की मदद से दोहरा शतक पूरा कर लिया था। ईशान किशन ने अपनी इस पारी में कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। वह सबसे तेज 150 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 103 गेंदों पर यह आंकड़ा पार कर लिया था। साथ ही वह भारत के लिए विदेशी सरजमी पर सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली और सौरभ गांगुली के 183 रनों का स्कोर को भी पीछा छोड़ दिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस तरह के बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए ईशान किशन को आने वाले समय में वर्ल्ड कप 2023 में विस्फोटक और ओपनर बल्लेबाज के रूप में शामिल करना चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।